नमस्कार, सिटी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं कंचन शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया का बयान, अवैध माइनिंग कर नदियों के जल प्रवाह से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम की टीम द्वारा पॉलिथीन बैन करने वाली खबर का हुआ असर। विश्व रक्तदाता के दिवस के उपलक्ष्य में श्री ब्लड डोनर एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पल्स पोलो अभियान को सफल बनाने के लिए जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ली बैठक। कोलकाता में डॉक्टरों पर हुए हमले के बाद देश भर के डॉक्टरों में रोष। 5 दिनों से चल रहे राज्य स्तरीय बाढ़ राहत शिविर का हुआ समापन। अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया का बयान, अवैध माइनिंग कर नदियों के जल प्रवाह से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अभी 50,000 का जुर्माना और 1 साल की कैद का है प्रावधान। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम पर भी कटारिया ने साधा निशाना। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। कटारिया ने कहा कि जो दोनों विभाग उन्हें दिए गए हैं उसको लेकर 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है। नल से जल, नमामि गंगे जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। वही अवैध माइनिंग को लेकर नदियों के जल प्रवाह के साथ छेड़छाड़ करने वालों के साथ भी सरकार सख्त है। मंत्रालय गहनता से अध्ययन कर रहा है। पहले इसमें 50,000 का जुर्माना और 1 साल की कैद का प्रावधान था, लेकिन इससे बड़ी कोई दंडात्मक कार्रवाई हो इसके लिए प्रयत्न चल रहा है। वही पश्चिम बंगाल में हुए डॉक्टर्स के हमले पर बोलते हुए कटारिया ने कहा, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए हर रोज तुगलकी फैसले लेती हैं और यह डॉक्टर्स की हड़ताल भी उन्हीं में से निकली है। अगर वो संवेदनशील होती तो यह नौबत ही नहीं आती और वह ठीक ढंग से कार्यवाही करती। वही बंगाल में बंगाली बोलने के ममता बनर्जी के बयान पर कटारिया ने कहा कि भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, कोई कहीं भी रह सकता है, वह कोई भी बोली बोल सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरे पास 2 विभाग हैं, जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता का। मानसून सत्र आने वाला है और ऐसी स्थिति में बरसात को लेकर उसके पानी को एकत्रीकरण का मामला भी जो है वो बड़ा जोर पकड़ता है। हम चाहते हैं कि पानी की एक एक बूंद बचाकर जल का संग्रहण किया जाए ताकि उससे वाटर लेवल ऊपर आए और बाद में फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि देश का कोई भी हिस्सा प्यासा न रहे और सरकार जल शक्ति विभाग जो नल से जल योजना शुरू करने जा रहा है जिसके अंतर्गत भारतवर्ष के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाएगी तो उसके लिए वाटर कंजर्वेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसी प्रकार से सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, इसमें शेड्यूल कास्टों की भलाई के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की भलाई के लिए, सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए, दिव्यांगों की भलाई के लिए और ट्रांसजेंडर्स की भलाई के लिए विभिन्न भिन्न योजनाएं विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं और उसमें हमने आने वाले 100 दिन में कुछ कार्यों को चिन्हित किया है जिसके अंतर्गत समय पर जो सहायता राशि डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदान कराई जाती है वो पहुँचे, गरीब बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति मिले और जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं सामाजिक न्याय के माध्यम से उन सब का संचालन बेहतरीन ढंग से हो, आने वाले समय में उसके ऊपर कार्य होगा। हाँ, सोच रहे हैं, अभी तो कहना जो है वो जल्दबाजी होगा, लेकिन मंत्रालय उसके ऊपर गहनता से अध्ययन कर रहा है कि जो अभ्यस्त है माइनिंग में
ऐसे लोगों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तो 50,000 रुपये जुर्माने का और 1 साल की कैद का है, लेकिन उसे और बढ़ाकर कुछ और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ाई जाए, उस दिशा में भी प्रयत्न हो रहा है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और इसलिए हर रोज़ कोई ना कोई तुगलकी फैसले लेती हैं। और डॉक्टरों की हड़ताल भी उसी में से निकली है। अगर वो संवेदनशील होती और ठीक ढंग से कार्रवाई करती तो ये नौबत ना आती। अटारी जी, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि अगर बंगाल में रहना तो बंगाली बोलनी पड़ेगी। भारत जो है वो 130 करोड़ लोगों का देश है, कोई कहीं पर भी रह सकता है, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। नगर निगम की टीम द्वारा पॉलिथीन बैन करने वाली खबर का हुआ असर। दुकानदार पॉलिथीन को सरेंडर करने के लिए पहुंचे नगर निगम कार्यालय। दुकानदारों का कहना, निगम की इस मुहिम के साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने को हैं तैयार। यमुनानगर में खबर का असर। नगर निगम द्वारा पॉलिथीन बैन करने को लेकर की गई कार्रवाई के खबर पर पूरे तरीके से असर दिखाई दे रहा है। निगम के चलान काटे जाने के बाद अब लोग खुद ब खुद नगर निगम के अंदर अपनी दुकानों पर पड़े पॉलिथीन को सरेंडर करने के लिए नगर निगम पहुंच रहे। वही लोगों के खुद ब खुद नगर निगम कार्यालय में आकर पॉलिथीन सरेंडर करने पर यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने भी उन्हें पौधा देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग खुद ब खुद सहयोग देकर पॉलिथीन ना इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं और आज ये लोग खुद भारी मात्रा में पॉलिथीन सरेंडर करने पहुंचे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और हम भी यह मुहिम तब तक जारी रखेंगे जब तक पॉलिथीन पूरे तरीके से प्रतिबंध नहीं हो जाता। इस अभियान को अपना बहुत कामयाब मानता हूँ, जिसमें लोगों ने अपने आप ही सिलेंडर करना शुरू कर दिया और हमारा सहयोग देना शुरू कर दिया। मैं और भी दुकानदार भाइयों से अनुरोध करूँगा, कोई भी व्यापारी है, दुकानदार है, कि वो अपना पॉलिथीन का व्यापार बंद करें और कपड़े का और जूट के थैले और कागज़ के बने हुए थैले लें और शहर को साफ सुंदर बनाने में सहयोग करें। आज नरेश कुमार ने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम इस अभियान की कामयाबी भी मानते हैं कि नरेश कुमार ने अपना सारा जितना भी पॉलिथीन था, लगभग 20-25 किलो के लगभग आता है, इसको लगा के हम ये कहेंगे कि क्विंटल के हिसाब से इन्होंने वापस किया है और निगम में जमा किया है। इन्होंने कहा है कि जब तक हम वापसी कंपनी में नहीं भेजेंगे, हम अपने घर पे भी नहीं रखेंगे, निगम में ही इसको सिलेंडर करेंगे। तो हम अनुरोध करेंगे सभी दुकानदार भाइयों से कि ऐसे ही आप लोग भी आगे आएँ और शहर को साफ सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। आगे भी सर ये अभियान जो है चलता रहेगा? ये अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर यहाँ पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। अभी हम उसमें प्लानिंग बना रहे हैं कि धीरे धीरे जहाँ तक लोगों तक मैसेज जा चुका है कि वे पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना, उनका व्यवसाय भी, जैसे दुकानदार भाइयों ने व्यवसाय भी चेंज किया है। अभी इन्होंने देखिए ये बिल सबमिट किया है कि इन्होंने इतने लगभग 60 kg एक और 90 kg एक, 30 kg एक, ऐसे करके इन्होंने जूट के थैले 55 kg एक जूट के थैलों का उपयोग किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपना एक व्यवसाय चेंज किया है। इसके लिए मैं इन सभी शहरवासियों से फिर अनुरोध करूँगा कि ऐसे ही सहयोग करें हमारा। मेरा नाम नितिन है, मैं सब्जी मंडी में पॉलीथीन का काम करता था और मैंने अभियान से पॉलीथीन ना उपयोग करने के अभियान से मैं जुड़ा हुआ था बहुत दिनों से। और अब मैंने जाकर सोचा कि नगर निगम को अपना माल जो है सरेंडर कर देना चाहिए ताकि मैं इनके सहयोग, जो इन्होंने कार्य शुरू किया है, मैं उसमें अपना सहयोग दे सकूं और मैं इनके साथ ही जुड़ा हुआ हूं। अब मैं आज से जो यहां बैठ के निगम में अपना माल सरेंडर करने के बाद ये प्रण ले रहा हूं कि ना तो मैं पॉलीथीन का प्रयोग करूँगा और ना कभी किसी को करने दूँगा। आज से मैं जो कपड़े का जूट बैग आता है उसी का प्रयोग करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा कि आप इसी का प्रयोग करें ताकि आने वाली हमारी जनरेशन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। लगभग कितना कुछ माल था जो आपने यहाँ सरेंडर किया? जैसा 1.5-2 क्विंटल का माल था जो मैंने नगर निगम को सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल, कि अब ये आपका हुआ और मैं आज से सिर्फ कैरी बैग नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ कपड़े का जूट बैग जो है वो प्रयोग करूँगा। यही कोई सर 35,000 के लगभग जो होगा माल मेरा जो है मैंने सरेंडर किया है नगर निगम को। चाहते हैं कि हमें सहयोग दें कि शहर हम सबका शहर है, खाली कोई मैं मेयर हूँ या यहाँ के अधिकारी हैं,
उनका नहीं है। जितनी जिम्मेवारी हमारी है उससे कहीं ज़्यादा गुना जिम्मेवारी इस नगर निगम में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी है। आज ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारी छोटी बहन है, इन्होंने इतना मटेरियल सरेंडर किया, मैं इनको बधाई भी देता हूँ और इनका इनको साधुवाद भी देता हूँ कि जो एक पुण्य काम के अंदर जो बढ़ करके इन्होंने हमारे साथ सहयोग करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा जो इन्होंने आहुति के अंदर यज्ञ में आहुति डालने का जो काम किया है, निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में श्री ब्लड डोनर एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। रक्तदान करने आए रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला, कहा एक रक्तदाता का खून 3 लोगों के आता है काम। यमुनानगर में विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन चौधरी तिलकराज चड्ढा इंस्टीट्यूट में किया गया, जिसमें यमुनानगर जगाधरी के न्यायाधीश एवं CGM अरविंद कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि यमुनानगर में से हर 3 में से एक व्यक्ति रक्तदाता है। उन्होंने रक्त देने आए लड़कों व लड़कियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह भी अपने साथ दूसरों को प्रेरित करें और उनसे भी रक्तदान करवाएं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में समाज सेवा का भाव जागृत होता है। उन्होंने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी एवं चौधरी तिलकराज चड्ढा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को साधुवाद देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु रक्त के भाव में नहीं होनी चाहिए। देश में आज तक रक्त बनाने वाली फैक्ट्री नहीं लगी, मानव का रक्त ही मानव के काम आता है, हमें 6 महीने में रक्तदान जरूर करना चाहिए। विसाओ रक्तदाता दिवस है जिसके उपलक्ष्य में श्री ब्लड डोनर सोसाइटी ने रेडक्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसमें मेरे को बड़ा ही सौभाग्य मिला है कि उन्होंने मेरे को भी इनवाइट किया और आज हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं मेरे को उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। कई ब्लड डोनर्स रिपीटेड हैं, जिन्होंने किसी ने 24 बार दिया है, किसी ने कोई 3rd टाइम दे रहा है। एक लेडी जो ब्लड डोनर हैं वो 3री या 4थी बार ब्लड डोनेशन कर रही है। और जो ब्लड डोनेशन का जो काम जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक ब्लड देने से मेरे को अभी पता चला है कि 3 जाने बच जाती हैं। तो ये जो काम है ये सबसे महान काम है ये सोसाइटी के लिए। इनको नहीं पता ये दान जो कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, इनका जो ब्लड है किस पे यूज़ होगा, पर ये फिर भी आगे आ रहे हैं, हमारा युवा वर्ग आगे आ रहा है और सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप सब के माध्यम से मीडिया मेरे सामने खड़ी है, तो आज जितने भी ब्लड डोनर्स हैं हमारे पूरे इंडिया में, मैं उन सब का थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वो आगे आते हैं और सोसाइटी की में जो जिनको ज़रूरतमंद है उनकी जान बचाने का एक काम करते हैं। जो राष्ट्र है भारत देश एक युवा राष्ट्र है, यहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसका हमें एक फायदा ये रहता है कि अगर सभी हमारे युवा वर्ग आगे आएँ ब्लड डोनेशन करें तो हमारे यहाँ ब्लड की कभी कोई कमी नहीं होगी। और मैंने अभी जितने भी ब्लड डोनर से जो फर्स्ट टाइम है उनको भी और जो रिपीटेड है उनको भी उनको कहा है कि वो एटलीस्ट एक अपने साथ मोटिवेट जरूर करें, किसी एक दूसरे युवा को जोड़ें अपने साथ ताकि ये एक चेन बने और हमारी सोसाइटी में ब्लड की कोई कमी ना हो। जो बार जो एडवोकेट्स की जो बॉडी जिसको बार बोलते हैं, तो एडवोकेट्स की मिलके एक साल में एक ब्लड डोनेशन का एक कैंप जरूर करते हैं। पिछले साल भी शायद उन्होंने किया था, मेरे को ध्यान नहीं है, और इस साल भी वो करेंगे। मेरी जैसे उनसे प्रधानमंत्री से बात होती है कि वो बताते हैं कि वो हर बार एक बार जरूर करते हैं, तो उसमें जजेस भी भाग लेते हैं। पिछली बार हमारी CGM मैडम अनुदीप कौर भट्टी मैडम ने ब्लड डोनेट किया था उसको। तो अगर ऐसा मिला तो आप इसमें जी, मैं आपकी बार अगर बार ने अगर किया तो मैं जरूर करूँगा। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ली बैठक। 16 जून को पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत। जिला उपायुक्त ने जिला वासियों को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो अवश्य पिलाने की अपील। उपायुक्त आमला तस्नीम की अध्यक्षता में 16 जून 2019 को होने वाली पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए जिला टास्क फोर्स बैठक का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय यमुनानगर के जिला प्रशिक्षण सेंटर में किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों व अन्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने बताया कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान व पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस के केस बढ़ रहे हैं। 1988 में विश्व संगठन द्वारा पोलियो का उन्मूलन का आह्वान किया गया। हर वर्ष
3.5 लाख बच्चे पोलियो से ग्रसित होते थे, जिसमें 1.5 लाख बच्चे भारत के थे। उन्होंने बताया कि 1995 में पोलियो उन्मूलन अभियान भारत में प्रारंभ हुआ। पोलियो का अंतिम के 2010 में हरियाणा में तथा 2012 में पश्चिम बंगाल में पाया गया था। उपायुक्त ने बताया कि 16 जून को प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ नागरिक अस्पताल जगाधरी में विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुज्जर करेंगे, वह नागरिक अस्पताल यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा करेंगे। तथा उन्होंने यह भी कहा कि प्लस पोलियो अभियान में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने बारे विचार विमर्श किया जाएगा। वह शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में म्यूनिसिपल काउंसिल व पंचायती राज सदस्यों से इस पुनीत कार्यक्रम में पूरे सहयोग देने का आह्वान किया। उपायुक्त आमना तस्नीम ने सभी जिलावासियों से अपील की कि घर परिवार के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रविवार 16 जून 2019 को पोलियो दवा अवश्य पिलाएं, ताकि इस बीमारी से निजात पा सके। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को प्लस पोलियो की दवा अपने निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य पिलाएं। कोलकाता में डॉक्टरों पर हुए हमले के बाद देश भर के डॉक्टरों में रोष। यमुनानगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टर ने इस घटना की निंदा की। डॉक्टरों ने सरकार को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हुए हमले से देश भर के डॉक्टरों में रोष है। यमुनानगर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टर ने इस घटना की निंदा करते हुए रात 8 बजे के करीब शहर के बीचों बीच कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की CM कानून व्यवस्था की ध्वजा उड़ा चुकी हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर ठोस कानून बनना चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि यह हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है, हमने सरकार को 2 दिन का समय दिया है, अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो सोमवार से एक बड़ा आंदोलन होगा, डॉक्टर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जी, जो पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जूनियर डॉक्टर जिस पे इतनी बुरी तरह से हमला किया गया और उसके सिर में फ्रैक्चर आ गया, उसको ऑपरेशन करना पड़ा उसके सिर का, और बहुत मुश्किल से उसकी बेचारे की जान बची। ये देशव्यापी विरोध है, सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और देशव्यापी कानून बनाए जाएँ। अभी तक मेडिकोज की प्रोटेक्शन के लिए जो भी कानून है वो काफ़ी लचर हैं, और जितनी भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग लेवल के कानून हैं, और यहाँ तक कि जो उन कानूनों के रक्षक हैं जब हम उनके पास जाके उन कानूनों के बारे में बताते हैं तो उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि एक पूरा कंट्री वाइड सिंगल लॉ जो उसको IPC में इनकॉर्पोरेट किया जाए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए। हम डर के माहौल में काम नहीं कर सकते, हम डर के माहौल में सीरियस मरीजों को नहीं बचा पाते। मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हमारी पब्लिक से कि अगर कोई आदमी रात से बीमार है और उसको रात से परिवार वाले उसको सुबह तक अस्पताल नहीं लेके आए और सुबह अस्पताल में आने के आधे घंटा बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर दोषी है, और जो वो रात भर उसको अस्पताल में नहीं लाए और सुबह उसकी घर में मृत्यु हो जाए तो क्या घर वाले एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं? डॉक्टर कभी भी अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता, डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि मरीज बच के जाए, ठीक हो। 10 लोगों को यह तभी बताएगा ना कि मैं फलानी जगह ठीक हुआ हूँ, फलाने डॉक्टर से ठीक हुआ हूँ। डॉक्टर की ऐसी कभी सोच नहीं है, लेकिन हाँ अगर यही माहौल रहा तो देश भर में डॉक्टर सीरियस मरीजों को हाथ लगाना बंद कर देंगे, लोग अस्पतालों की बजाय एम्बुलेंसेस में मरेंगे, ऐसा डॉक्टर कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिसके 1% भी बचने के चांस हैं उसको बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिले ताकि वो 1% चांस रहें, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम सिर्फ भगवान की अदालत में मरीजों के वकील हैं, और हम समझते हैं कि केस जीतना या केस हारना ये तो ऊपर वाले पे सुप्रीम जज पे निर्भर है, इसके लिए डॉक्टर्स को पेनलाइज ना किया जाए। डॉक्टर जी आगे भी जारी रह सकती है, हम सरकार को 2 दिन का टाइम है, सरकार इसके बारे में बहुत पॉजिटिव है, वो हमें काफ़ी तरह के एश्योरेंस दे रही है, लेकिन अब डॉक्टर्स इस फाइट को छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर इस पे कोई कार्रवाई अगले 2 दिन में नहीं होती तो सोमवार को फिर देशव्यापी हड़ताल हो, और ये खबर विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। हमारे पास वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन से, टोक्यो से भी संदेश आ रहे हैं कि इंडिया में ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पूरे विश्व में इस तरह के कानून ना होने की वजह से हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम हो।
कैंडल मार्च के जरिए हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स और अस्पताल आपकी धरोहर हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके जान को बचाने के लिए हैं, इनको नुकसान ना पहुंचाएं। अल्टीमेटली ये आपका अपना लॉस है, ये सोसाइटी का लॉस है। 5 दिनों से चल रहे राज्य स्तरीय बाढ़ राहत शिविर का हुआ समापन। बाढ़ राहत प्रशिक्षण में पूरे राज्य से प्रशिक्षणार्थियों व प्रशिक्षकों ने लिया भाग। जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है तो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही बाढ़ में फंसे लोगों को बेहतर ढंग से सहायता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेने से जहां व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं उसमें निपुणता भी आती है। बाढ़ जैसी आपदा के लिए पहले से ही पूर्ण रूप से तैयारी करके ही बखूबी निपटा जा सकता है। आमना तस्नीम हथनीकुंज बैराज के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर की लिंक चैनल पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 दिन तक चलने वाले बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर से पूरे राज्य में परीक्षणार्थियों व प्रशिक्षकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा व समाज की रक्षा के लिए परीक्षणों को जरूर सीखना चाहिए। जब प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे में आपदा के सही समय पर ही सही ढंग से निपटने के लिए बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपदा के आने पर बेहतर नेतृत्व लोगों को मिल जाए तो आपदा से निपटने में लोगों को तत्काल सहायता मिलती है। वहीं उन्होंने परीक्षणार्थियों से आह्वान किया कि बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर से उन्हें जो प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं उसके बारे में वे अपने अपने जिले में जाकर अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें, ताकि बाढ़ के समय अधिक से अधिक लोग के जानमाल की सुरक्षा की जा सके। आज बाढ़ राहत शिविर ट्रेनिंग कैंप में जो 5 दिवसीय था, 10 तारीख को शुरू हुआ था और आज समाप्त हुआ है, उसमें 49 यानी 49 प्रशिक्षार्थी थे और 10 हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे, के अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के भी अधिकारी थे। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में इंडक्ट होने के लिए जो भी जरूरी प्रशिक्षण के कार्य थे वो कराए हैं, जैसे तैराकी, नाव चलाना, अगर बाढ़ आ जाए तो किस प्रकार से लोगों तक के पहुँचे, मलबे के ढेर में से कैसे पहुँचे अगर बाढ़ के कारण कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई हो, और इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पिछले 5 दिनों में। इन प्रशिक्षार्थियों में तैराकी और नौका चलाने के प्रतियोगिताएं भी की गई, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्राइज दिए गए हैं। तो विभिन्न कार्य हुए हैं, इसको प्रशिक्षार्थियों ने तो किया ही है, साथ ही गाँव के लोगों हमने इन्वाइट किया था कि वो देख सकें कि कैसे बाढ़ से बचत की जा सकती है। जिला यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पूरे हरियाणा से 56 प्रशिक्षणार्थी और 11 हमारे जो प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारी थे वे उपस्थित थे। पूरे 5 दिन जो हमारे प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया है वह बोटिंग, रोइंग और नोट बांधना, डिफरेंट फर्स्ट एड, इन सब का प्रशिक्षण उन्होंने लिया है। बहुत अच्छे से हमारे ट्रेनिंग देने वालों ने सभी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग दी है और आज उसका समापन था, जो बड़ा प्रोग्राम हमारा अच्छे से संपन्न हुआ। बहते पानी का प्रशिक्षण का तात्पर्य इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई बार पानी बहुत स्पीड से आता है, तो उस स्पीड वाले पानी में कैसे आप बोटिंग करेंगे, लोगों को सेव करेंगे, तो इसलिए चलते पानी में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया था। बोटिंग कैसे करेंगे, अगर इंजन ख़राब हो जाए तो चप्पों से कैसे नाव चलाएंगे, लोगों को कैसे सेव करेंगे, बस सभी तरह का प्रशिक्षण चलते पानी में दिया गया है और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण बड़े अच्छे से लिया है। हर साल का निर्धारित कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर, यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर और रोहतक में तिलियार झील। मेरा नाम प्रेम सिंह है, लिफ्टेड थे ये 2 स्टैंडिंग वाटर में पहले ट्रेनिंग करका आए हैं कुरुक्षेत्र रोहतक तिलियार झील। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर लगा गया था कैंप, रोहतक में तिलियार झील पर लगा गया था। वहाँ ये प्रशिक्षण लेकर आए थे, जो बंदे वहाँ टैलेंट, जिनमें अच्छा टैलेंट दिखा उन्हें हम यहाँ लेकर आए। तो एक बंदा पढ़ा हुआ है, 2 नया लाभ तो देखो ऐसा ना ही भगवान ना कराए ऐसी आप बताओ, तो ये हम ही नए से करके तैयार भेजा कि ये वहाँ जाकर कोई किसी भी मुसीबत में अपने से काम कर सके। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी लाइफ चैनल।